Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel बुशरा खान ब्लॉग्स। तो आई होप सो कि सब ठीक होंगे और पीछे घर देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि मैं अम्मी के आ गई हूँ। तो अभी जस्ट तो नहीं कह सकते, आते ही मतलब मैं तो लेट गई लंबी लंबी, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा था, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी ना कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो मैं तो वैसे आते ही फटाफट लंबी लंबी लेट गई और अब मैंने कैमरा उठाया, सर की नमाज़ पढ़ी है हिम्मत करके, और फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते। तो देखें जी, आज जो मैंने सूट पहना है ना वो ये है, मस्टर्ड कलर का ये वाला, ठीक है। और सेम सादिया ने भी पहना है मम्मा जैसे सूट, है ना, दोनों का सेम सूट होगा ये देखें। तो ये जो जूडियो से मैं पजामा लेकर आई थी ना, ये प्लाजो मैंने वो मैच कर लिया इसके साथ, तो काफ़ी सही का जा रहा है। अदरवाइज मैंने सोचा था मैं इसके साथ वाइट लगाऊंगी, बट ये ऑफ वाइट भी अच्छा जा रहा है, नाइस। और ये यूसरा सूट पहनी हुई है ब्लैक कलर का। तो फ्राइडे तो हम लोग ना ज़रूर 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 नया पहनते हैं। तो मैं अब आपको चुईया मैडम को भी दिखा देती हूँ, वो भी नया पहनी हुई है। चुईया मैडम क्या ढूंढ रही हैं आप? ये देखें, हमारी चुईया मैडम भी नया सूट पहनी हुई है, दिखाइएगा चुईया मैम। देखिए ये लड़की वाइट कलर नहीं पहनती, इसको ज़बरदस्ती पहनाया गया है तो इसलिए इसने अपना मुंह छुपा लिया है। और आज मौसम हो रहा है जी बड़ा शानदार, है ना, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अगर किसी को चाहिए हो कि डिज़ाइनर कौन है तो मुझे बता देना। डिज़ाइनर कौन है, इनकी अम्मा होंगी डिज़ाइनर, और कौन होगा। हाँ ये देखिए जी, मौसम कितना शानदार हो रहा है और ऐसी प्यारी प्यारी हवाएँ चल रही हैं और अभी बारिश होके रुकी है। तो चले अभी इफ्तार में ज़्यादा टाइम नहीं है, ये देखें ये तो मतलब आगे है 10 मिनट, तो 5:45 हो रहा है। तो बस अब इफ्तार बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और इफ्तार के बाद के क्या प्लान्स हैं वो इफ्तार करने के बाद जब थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी ना तब बताएंगे। अभी के लिए इफ्तार बनाने चलते हैं, विंडो को करते हैं जी बंद, ये कर दिया बंद। तो चलिए इफ्तार बनाते हैं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइस कहानी में ट्विस्ट है, आज बन रही है इफ्तार, इफ्तार नहीं है एक्चुअली, पकौड़े जो बन रहा है ना वो शेफ इंसा बना रही हैं जी। ये देखें अजवाइन डाल रही हैं बहुत ध्यान से, जबकि हाथ से क्रश करके डालते हैं, नए नए शेफ आए मार्केट में, इतनी सारी दर्द कराएगी लूजन कराएगी। अच्छा, और उधर आलू पालक भी आए हुए, और ये ऐसे तगड़े वाले शेफ हैं कि ना आलू काटे ना पालक काटा, पहले बेसन, ठीक है पहले बेसन बनाने खड़ी हो गई है ये। गाइस देखो, ओह माय गॉड, ये पेट में पेट खराब कराएगी सबका, ऐसे अच्छा टेस्टी बनाते हैं ना, ऐसे टेस्टी भाई आना बंद कर दिया। नए नए शेफ आए हुए मार्केट में, ये डाला इन्होंने सॉल्ट। आजकल पकोड़े तुम बना रही हो क्या? फिर एक दिन बनाया था मैंने, नानी ने बड़ी तारीफ करी थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खिलाऊं। वो तुमने एक ही दिन बनाए थे ना, तो नानी ने कर दी होगी तारीफ, अब हो सकता है नानी ने आज मेरे लिए मंगा के रख रखे हो। फिलहाल तो हो गया, फिलहाल तो इन्होंने कर दिया है बेसन का काम, तो अब कोई बात नहीं, पकौड़े यही बनाएंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है? आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर। अच्छा जी, मेरा देख देख के बनाती है लड़की, मेरी वीडियो देख देख के बनाती है लड़की। अच्छा जी, लड़की मेरा देख, ये फुल चीटर है। अच्छा जी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे आप इसमें? तेल डालेंगे। तेल तो ऑब्वियसली पानी से, पानी तो पहले आलू पालक धो के तो डाल दो, फिर जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना डालते हैं। मिक्स वेज बना रही हो ना? नो, अलग अलग वाला बना रही हो। हाँ। अल्लाह, फिर तो चलो, इसने करा दिया हमें सारी, हम चलते हैं अंदर। ला हरी मिर्च मैं भर देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। लॉ, तो अभी हम बना रहे हैं जी चीज़ और कॉर्न समोसास, बड़े बड़े नहीं बन रही है, बड़े ही तो हैं। हाँ ऐसे लो, एंड देन ये लो, सारी लगेगी। पिछले साल मैंने सिखाई थी हिनापी को, और इस साल मैं खुद ही आउट हो रही हूँ।
ये रेडीमेड पट्टियों के बना रहे हैं। या, या, या। हम इतने सुगढ़ टैलेंटेड भी नहीं है कि हम पट्टियाँ भी खुद बनाएं घर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इल साहब पट्टे जैसे लोग आज पकौड़ियाँ तल रहे हैं। Would you like to say something, Ilsa? रोजे के बाद अभी रोजा है। क्यों, तुम तो अभी भी माशाल्लाह काफी एक्टिव लग रही हो, हम खुश लग रहा है बिल्कुल ही। बोल बोल के स्कीम में बता दिए सबको। हमारे जो समोसे है ना वो बन के हो गए रेडी, फ्राई कर लिया हमने इन्हें, और ये रेडीमेड थे पफ पेस्ट्रीज और समोसे बने जी, बहुत अच्छे हैं। अब खाने में देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। बाकी आलू पालक भी रेडी हो रहे हैं, पालक इल्सा डाल रही है, पापड़ मैं डाल देती हूँ, इल्सा बाहर गई है किसी को देखने, देर में हम पापड़ डाल लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ना अब टाइम टाइम करीब हो रहा है इफ्तार का, तो कैमरा बंद करते हैं और ये निकाल लेते हैं पहले। ये लो जी हो गए हैं फ्राई और अम्मी निकाल रही हैं सबके लिए इफ्तारी, और अभी कमरे में कोई चानी वानी नहीं बिछी हुई क्योंकि एसी की सर्विस हुई है और मौसम हो रहा है जी बड़ा शानदार। देखे सामने किसी ने अपना घर सजा रखा है लाइटों से, अच्छा लग रहा है। चले इफ्तार का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो अब इफ्तार कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। मेरे साथ ही प्लेट दूसरा भी बाहर ही दे दो, देखना सारे ठंडे बर्फ हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसंतु बिगाम दुआले गदवल दुआल रिश्ते दफ्तर तो। इसमें देखिए जी बटर भरा हुआ है, ये देखिए इल्सा को इस सीरी सीरी से पूछ रही है, सीरी पाए से ओपन माई यूट्यूब, तो उन्होंने बेइज्जती कर दी। अच्छा रुको, हे सीरी ओपन यूट्यूब ऐप, ओपन यूट्यूब ऐप, हे सीरी प्ले बुशरा खान व्लॉग्स ऑन यूट्यूब, हे सीरी प्लीज बताएं पाएंगे से बंदे। अच्छा गाइस इल्सा पूछ रही थी हे सीरी प्लीज ओपन माय यूट्यूब, तो सीरी ने इनकी इंसल्ट कर दी। सीरी ने बोला क्या बोला इल्सा तुम खुद बताओ, ना थोड़ा लेगा ना। सीरी ने बोला है वो करो क्या करो, सीरी ने बोले पहले आप अपना आईफोन अनलॉक करें। सीरी पाए नहीं, अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है बंदर पीछे से, पीछे से ऐसा लग रहा है। जो बहुत टाइम में करते हैं ना तो उनको ऐसे ही होता है, जो हर हफ्ते करते हैं ना उनके स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लीच इन्होंने भी लगाई थी। हाँ हाँ, जो हर हफ्ते करते हैं उनकी स्किन पे फर्क नहीं पड़ता हर हफ्ते। हाँ मोनिश भाई की शादी पे करी थी, एवरी वीक। मोनिश भाई की शादी पे भी नहीं करी थी, बहुत टाइम हो गया, क्या हो गया। अच्छा अच्छा, मोनिश की शादी पे तुमने फुल फैशन करा है, आई बड़ी। यहाँ देखे जी ग्रीन टी आ गई है, और ये सबकी जान हाजमोला, ये रमजान में पूरी बहुत काम आती है। नहीं मैंने खा ली, मेरे तो ऊपर का वो तालू भी छिल गया। तालू क्या होता, स्किन ऊपर की। चले क्या, चले जी ग्रीन टी पी लेते हैं। 1 hour later. तो गाइस रात के 2 बजे, 2 बज रहे हैं, 2 बजे हम लोग खा रहे हैं मैक्रोनी, इल्सा बना के लाई है बहुत ही मज़े की टेस्टी सी मैक्रोनी। 2 बज गए यार, पता ही नहीं चला। क्यों घड़ी देखी नहीं तुमने एक बार? नहीं, कैसे हुए सिद्धू? तो चले जी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोलो अच्छी है, टेस्टी है, बोलो जल्दी से।
करनी है। और बस करनी है मैं करानी। ब्लॉग कैमरे पे नोटी मैगी खाओगे? चलो मैं कल बनाऊंगी।